सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तंदूर के अंदर क्या होता है, क्योंकि आज हम तंदूर तोड़ने वाले हैं और तंदूर भरने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि तंदूर कैसे तोड़ते हैं और उसके अंदर क्या होता है। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि तंदूर कैसे भरते हैं। ये देखिए, तंदूर एकदम चटक चुका है और बर्बाद हो चुका है। जब ऐसे तंदूर चटक जाता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, रेता निकलने लगता है। इसके अंदर रेत भरते हैं तो वो निकलने लगता है। तब आपने क्या करना पड़ता है, तंदूर दूसरा लगवाना पड़ता है इसमें। तो अब हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका टॉप निकालेंगे। ये देखिए, ये अलग से लगा हुआ होता है। आपको लगता है कि पूरा स्टील का तंदूर है, लेकिन ये ऐसे निकल जाता है इस तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर ये रेत भरा है और रेत कितना लाल हो चुका है सिक सिक के। तो अब हम इसको तोड़ेंगे। मेरे साथ ये दो भी हैं, ये हैं असली तंदूर के मास्टर, भरने वाले और तंदूर तोड़ने वाले। ये दोनों मिलके और मैं, हम तीनों मिलके तंदूर को तोड़ेंगे और तीनों मिलके ही भरने वाले हैं। तो पहले हम तंदूर तोड़ेंगे। दुनिया में जो सबसे आसान काम होता है वो होता है चीज़ को बिगाड़ना। जैसे कि अभी हम तोड़ रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है तंदूर बनाने में, इसको सेट करने में, वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए, दो मिनट में हमने तोड़ के बराबर कर दिया। ये देखिए, इसमें भरा होता है रेत और गिलास फूल। ये दोनों को भरते हैं दबा दबा के। ये इसमें गिलास होता है, इसकी वजह से ही तंदूर में टेम्परेचर मेंटेन होता है। आज से 20 साल पहले क्या होता था, इसमें नमक, कांच और रेत, ये सारी चीज़ें डालते थे, तभी वो तंदूर इतने भारी होते थे। लेकिन स्टील के तंदूर में सिर्फ रेत और गिलास फूल डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं। तो अब हम इसको पूरा तोड़ लेते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी तंदूर तोड़ना है तो मुंह ढका होना चाहिए। आजकल तो मास्क का ज़माना है, अगर मास्क आप ना पहने तो भी आप ध्यान रखें कि मुंह आपका कवर होना चाहिए, नहीं तो आपकी नाक में, मुंह में गिलास फूल चला जाएगा। और आप अगर ग्लव्स पहनेंगे तो और भी अच्छी बात है। अब हम इसको गिलास फूल अलग रखेंगे और रेत अलग रखेंगे, ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने जब भी पुराना तंदूर तोड़ना है तो उसका गिलास फूल अलग रखना है और रेत को अलग से रखना है, और जो तंदूर की मिट्टी होगी ये, इसको आपने अलग रखना है, ये कोई काम की नहीं है। और ये देखिए कितनी लाल हो गई है, तंदूर ऐसे लाल हो जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये लाल क्यों होता है। अब हम ये सारा सामान जल्दी से निकालने के लिए क्या करेंगे, तंदूर को पलट देंगे। तंदूर होता है स्टील का, बहुत ही मजबूत होता है। याले, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन चालू है, नहीं तो क्या है, हम लोग धूल मिट्टी से मर जाएंगे। ये देखिए, सारा मलबा निकल चुका है, इसके अंदर गिलास फूल, सीमेंट और ये सब कुछ निकल गया है। अब हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हमने तंदूर का सारा सामान निकाल दिया और सब अलग अलग कर लिया है। अब आपको तंदूर की बॉडी दिखाता हूँ कैसी होती है। ये देखिए, इस तरीके से तंदूर की बॉडी होती है चौरस। इस तरीके से तंदूर खाली होता है, इसकी बॉडी चौरस होती है। बाहर इसके स्टील की प्लेट होती है, अंदर इसके लोहे की प्लेट होती है। आप इसमें अगर हल्का करना चाहते हैं तंदूर को, तो आप जिस्टी की चादर भी लगा सकते हैं, उससे तंदूर का वजन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और अगर आप भारी से नहीं डरते हैं तो आप लोहे की मोटी चादर लगा सकते, तो आपके तंदूर की लाइफ और बढ़ जाएगी। ये हो गया इसकी बॉडी का हिस्सा, और इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे तोड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाए, यहाँ हम तीनों ने मिलके आपको दिखाया कि कैसे तंदूर तोड़ते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है। अब दूसरे वीडियो में हम तीनों मिलके आपको तंदूर भरना सिखाएंगे कि तंदूर आपने कैसे भरना है और अच्छे से अच्छा कैसे भरना है, ताकि आपका तंदूर ज़्यादा दिन चले, उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।